हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लें, क्योंकि 31 मार्च 2021 के बाद जो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होंगे उनको इनएक्टिव कर दिया जाएगा और बाद में लिंक करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से ये जान सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। इस वीडियो में मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लें, आप जो भी यूज करते हैं। मैं क्रोम यूज़ करता हूं तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूं। सर्च बार में टाइप करें इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in। टाइप करने के बाद सिंपली सर्च करें। सामने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। यहां आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहां पे नीचे लिंक आधार, इसके ऊपर क्लिक करें। सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक हेयर, इसके ऊपर क्लिक करें। सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करें और उसके नीचे है आधार नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इंटर करें। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करें। सामने ये मैसेज आ जाता है योर पैन कार्ड इज लिंक्ड टू आधार नंबर। अगर आपका आधार कार्ड नंबर से लिंक है तो आपका यहाँ पे ये बता देगा कि आपका आधार कार्ड नंबर से लिंक है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे आपको ये सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।